verde. Kongres आरएसएस को खून चढ़ोड़ो है। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं। गुंडा की सरकार, हाय हाय। गुंडा की सरकार, हाय हाय। नरेंद्र मोदी, 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 हाय हाय। नरेंद्र मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये बाढ़ ग्रस्त एरिया में राहुल जी का कल प्रोग्राम था राजस्थान और गुजरात का। गुजरात में बनासकांठा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उन पर पत्थर फेंके और जिस तरह से गुंडागर्दी उन्होंने मचाई है, विरोध में ये पूरे भारतवर्ष में विरोध दर्शन दर्ज कराया जा रहा है कि ये प्रजातंत्र में इस तरह का व्यवहार, इस तरह से गुंडागर्दी, इससे पहले देखो वहाँ विधायकों का वहाँ जो किस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है, उनको वहाँ छापा डालना, परेशान करना, हर जगह इस तरह से ये हर निचले स्तर पर ये भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। इसके विरोध में सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और इस तरह की घटना नहीं हो इसकी सभी निंदा करते हैं। और जो जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी जनता को कुचलना चाहती है और तानाशाही से राज लेना चाहती है, इसके विरोध में ये आज पुतला जलाया जा रहा है। तो गलती बात है, ये गुजरात सरकार की ड्यूटी थी कि उनकी सुरक्षा की और एसपी जी की सुरक्षा उनको मिली थी, उसके बाद में इस ढंग से करना, ये कहीं कहीं सरकार की मिलीभगत है और जानबूझकर उन पर ये हमला कराया गया उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। और जो ये बातें कर रहे हैं ये तो फालतू की बातें हैं, सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ की सरकार की होनी चाहिए। यही विरोध के इस तरह से प्रजातंत्र में क्या होगा, यही होगा कि विरोध दर्ज कराओ कि इस ढंग से तानाशाही करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम सरकार में आएँ, तो ये बहुत आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत नहीं है।